एक्चुअली ये मेरे जो पार्टनर है वेदराज, जो कि एक राइटर है, उनके दिमाग में आइडिया आया था कि अगर किसी यूजुअली डेली सोप की कहानी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ की हीरोइन का पति मर जाए, तो उनके दिमाग में था कि अगर किसी शो की कहानी वहाँ से शुरू हो, कि अगर किसी हीरोइन का सिंदूर मिट जाए और वहाँ से कहानी शुरू हो, तो उनके दिमाग में वो आइडिया था कि अगर एक पति मर गया है तो पत्नी की लाइफ कैसी हो जाएगी कि वो पति मर के भी उसकी लाइफ में से नहीं जा रहा है। फिर इस आइडिया को हमने डेवलप किया और इसको कॉमेडी शो बनाने की कोशिश की, जो बहुत अच्छा बन पड़ा है, अब आप लोग देखिएगा। कास्टिंग बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कॉमेडी में आधा काम अगर राइटिंग का होता है तो बाकी आधा काम एक्ट्रेस का होता है, क्योंकि अगर अच्छे एक्टर ना हो तो कॉमेडी नहीं हो सकती। कॉमेडी जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती है। तो कास्टिंग करना काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी राउंड्स ऑडिशंस के हुए, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, काफ़ी शहरों में हमने ढूंढा, लेकिन अल्टीमेटली जो कास्टिंग हुई है वो आई गेस द बेस्ट कास्टिंग भी है। क्रिस्टल को हमको जो हीरोइन चाहिए थी, हमें ये था कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो अच्छे कॉमेडी करने वाले लोग हैं, जो मेरा किरदार है वो भी कॉमेडी वाला है। तो रूपा के लिए हमें यह था कि हमें एक सुंदर मासूम लड़की चाहिए, जो कि थोड़ा सा हमको, जिसके लिए लोग फील करें कि अगर वो उसकी आँख से एक आंसू गिरे तो लोगों को बुरा लगे, तो हमें वैसी लड़की चाहिए थी। तो हमने उसके लिए क्रिस्टल को चूज़ किया। हमें यह था कि कॉमेडी में हम श्योर नहीं थे कि कितना क्रिस्टल कॉमेडी कर पाएगी, तो हमें यह था कि थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हम करेंगे। लेकिन जब क्रिस्टल ने काम करना शुरू किया तो हम सब सरप्राइज थे। वो बहुत 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 अच्छी कॉमेडी करती है, पता नहीं क्यों उसने आज से पहले ये काम किया नहीं। शी इज़ टू गुड। हाँ, एक्चुअली कम बैक ही कह सकते हैं। नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था, और इस पशुपेश में भी था कि सारे काम कैसे एक साथ कर पाऊँगा, क्योंकि राइटिंग अपने आप में फुल टाइम जॉब है, तो वो भी मुश्किल था। बट भगवान जी ने छोड़ा और सोचा कि एक बार, अब अगर चीज़ें हो रही हैं, डेस्टिनी में लिखा है कि ये होना लिखा है, तो करते हैं, सब अच्छा होगा। और थैंकफुली सब कुछ अच्छा हुआ है और काफ़ी अच्छा शो बना। अगर आप हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, पूरी फैमिली के साथ एंटरटेन होना चाहते हैं, तो आपको ये शो ज़रूर 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 देखना चाहिए। आपका पूरा परिवार इसमें खुश होगा, हंसेगा, मनोरंजन होगा। बहुत मज़ेदार, बहुत रिफ्रेशिंग शो है और साफ़ सुथरी कॉमेडी है। पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, सबके साथ बैठ के देखने वाली कॉमेडी है। आप लोग एक बार देखेंगे तो आप हर दिन अपने आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाय, दिस इज़ धीरज सरना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन विकी मीडिया।